Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is your 12th session of Medieval History. In the last session we talked about the Mughal Empire aur aaj hum baat karenge Humayun ke baad. Actually Humayun ke dono jo tenures the unke beech mein there was a different dynasty, a different ruler and that was Sher Shah Sur and he lived from 1486 to 1545 and he died while he was in battle. और ही गेव अ टफ फाइट टू हुमायूं एंड एक वक्त आया जब हुमायूं को भी एज अ मुगल यू नो ही लॉस्ट दिल्ली और मुगल डायनेस्टी वाज नॉट रूलिंग फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 15 इयर्स फ्रॉम 1540 टू 1555 और उस दौर में इट वाज शेरशाह सूरी एंड देन फॉलोड बाय हिज सन इस्लाम शाह. बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो शेरशाह सूरी पे ही रहेगा और एग्जामिनेशन का भी फोकस जो होता है At this point of juncture, it is on Sher Shah Suri. So let us begin that. So this Sher Shah Suri was the founder of Sur dynasty. So his original name was Farid Khan, or he was a son of a Jagirdar from Sasaram in Bihar. He was given the title Sher Shah was given for his bravery. Actually, it is said that he. शेर को इन्होंने अकेले ही मतलब सिंगल हैंडेडली हरा दिया था विदाउट एनी वेपन्स और समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए इन्हें टाइटल मिला शेर खान का. और इन्होंने बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब, सिंध इन सारे एरियाज को कॉन्कर किया, इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई किया एक्सेप्ट आसाम, गुजरात, कश्मीर एंड नेपाल. तो आसाम, गुजरात, कश्मीर, नेपाल को छोड़ के मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो है वो इनके अंडर में था. ऑल्दो ही लॉस्ट इट, पांच साल ही रहा लेकिन सॉरी द रूल ऑफ शेरशाह सूरी इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन दैट हिज टाइम इज रिमेम्बर्ड फॉर. और इतना ज्यादा था कि इनिशियली अकबर ने भी एज इट इज शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया. लेटर ऑन देयर वर सर्टेन चेंजेस मेड इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी विल स्टडी लेटर. But basically, it was his administrative and other skills, the military skills that made him to be remembered forever. Though his time period was only for 5 years. सबसे पहले बात करते हैं शेरशाह सूरी के military achievements की. सबसे पहले इट वॉज बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज. ये दोनों हम देख चुके हैं हुमायूं के टाइम पे. बोथ वर अगेंस्ट हिम एंड इन बोथ दिस बैटल्स शेरशाह वॉज विक्टोरियस. और इसने क्या किया, ना सिर्फ दिल्ली का, आगरा, संभल, ग्वालियर, इस पूरे रीजन का उनको रूलर बना दिया एंड मुगल डायनेस्टी एंडेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस टू, द अदर इंपॉर्टेंट बैटल इज लाइक बैटल एट सूरजगढ़ इन 1533 जहां उन्होंने लोहानी चीफ और मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल इन दोनों को हराया. और इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा बिहार जो है वो शेरशाह के अंडर आ गया. सो दिस वाज बैटल एट बैटल ऑफ सूरजगढ़. फिर इसने बंगाल को इन्वेड किया. ही एक्चुअली प्लंडर्ड बंगाल सेवरल टाइम्स बाय कैप्चरिंग गौड़, द कैपिटल ऑफ बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मोहम्मद शाह जो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह जो है वो बंगाल का था, उसको फोर्स किया इतनी बार, उसने उसको प्लंडर किया इतनी बार, उस पर अटैक किया दैट ही वॉज फोर्स टू टेक रिफ्यूज विद हुमायूं. तो अब ये जो दोनों लोग हैं, कौन, मोहम्मद शाह और हुमायूं, दे केम टुगेदर क्योंकि देवर बोथ वर डिफीटेड, बोथ वर प्लांडर्ड बाय शेरशाह. देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब फ्रॉम 1540 टू 1542. आफ्टर दैट उसने पंजाब को कॉन्कर किया सबसे पहले. और किसके पास था पंजाब, पंजाबी हमने देखा कि उस वक्त हुमायूं के भाई कामरान के पास था. देन रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच खोकर्स रूल करते थे, उनको सप्रेस किया 1542 में एंड दैट वॉज इज अनदर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा 1542, द रूलर ऑफ मालवा ने जो है, जब शेरशाह वॉज स्ट्रगलिंग विथ हुमायूं तो उसने हुमायूं का मतलब शेरशाह का साथ नहीं दिया था, ही वॉज दैट साइड, दैट्स वाई ही अटैक्ड मालवा एंड एनेक्स्ड हिज एम्पायर. तो उसने मालवा भी ऑक्यूपाई किया. फिर रायसीन जो है इट वॉज अ राजपूत प्रिंसिपैलिटी. और पूर्णमल कह लीजिए जो भी नाम आप प्रोनाउंस करना चाहें, ही एंटर टू एन एग्रीमेंट बिकॉज द बैटल वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट
ही एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद शेरशाह सूरी दैट इफ ही सरेंडर्ड हिज फैमिली वुड नॉट बी हार्म्ड। तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने रायसेन को कॉन्कर किया और देन मुल्तान और सिंध इन 1543, मारवाड़ फ्रॉम 1543 टू 1545, यू नो आर्मी के अंदर एक्चुअली मालदेव जो थे वो उस वक्त मारवाड़ को रूल कर रहे थे और उनकी आर्मी के अंदर ही कंफ्यूजन और यू नो टेंशन क्रिएट करके ही ब्रॉट मारवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बैटल इटसेल्फ बट द मोस्ट एंड द लास्ट बैटल बेसिकली इन द लाइफ ऑफ शेरशाह सूरी वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंजर दैट इज 1545। यहाँ क्या हुआ, ही लॉन्च्ड अ फियर्स अटैक कलिंजर में बट ही लॉस्ट हिज लाइफ व्हेन ही वॉज ग्रीवियसली इंजर्ड बाय अ ब्लास्ट। सो देयर वॉज अ कैनन ब्लास्ट और उसके अटैक में आके उसकी वजह से जो इंजरीज आई उसकी वजह से शेरशाह वॉज यू नो ग्रीवियसली इंजर्ड। देन बात करते हैं शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें बेसिक अकाउंट मिलता है, जो हमें ऑब्वियसली आप नॉर्मल बैटल्स वगैरह को तो अकाउंट आप इजीली मिल जाता है कि यहाँ पे बैटल हुई थी, लेकिन किसी भी रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन का जब तक आपको यू नो एक प्रॉपर हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं मिलता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। और शेरशाह सूर के जो कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमेशा उसके लिगेसी में सेंट्रल रहा है। शेरशाह सूरी को जब भी याद किया गया उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही याद किया गया। सो इसका जो हमें अकाउंट मिलता है बेसिकली एक किताब है तारीख शेरशाही और ये अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी एंड द साइटेशंस जो भी हमें इसके बारे में शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है वो हमें यहीं से पता चलता है। और इस तरीके से शेरशाह सूरी ने सेंट्रलाइज या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रखा था इस तरीके से कि एवरी डिपार्टमेंट जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस थी या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे देवर अंडर द शेरशाह पर्सनल सुपरविजन, वो खुद उनको देखता था। देन ही हेल्ड ऑल द थ्रेड्स ऑफ पॉलिसी एंड सिविल मिलिट्री कमांड, चाहे वो सिविल इश्यूज हो, सिविल पॉलिसी हो, चाहे वो मिलिट्री पॉलिसी हो, मिलिट्री कमांड हो, कुछ भी हो, इट वॉज ऑल अंडर हिज पर्सनल कंट्रोल। Ministers had no authority to initiate any policy or propose a change in the ways of transactions or administrative setup. मतलब जो भी ministers तो थे लेकिन ministers were there just to execute the power, execute the policy. They were not there to formulate the policy. They were not there to initiate any policy. जो कुछ भी होगा वो कौन करेगा, वो शेरशाह सूरी के हाथ में था। But you know the general work of administration were under the ministers. दिल्ली सल्तनत पीरियड के तरह यहाँ पर भी शेर शाह ने चार बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मिनिस्टर्स अपॉइंट किए। ये ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज दीवान वजारत फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, दीवान आरज मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान रिसालत डिपार्टमेंट फॉर रॉयल ऑर्डर्स एंड दीवान इंशा दैट इज फॉर रिलीजियस मैटर फॉरन अफेयर्स एंड जुडिशरी। ये मैच में भी आ सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। दिस फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर भी आता है, ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी आता है, तो आप इसका यू नो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। अगेन दीवान वजारत, दीवान आरज, दीवान रिसालत एंड दीवान इंशा, चार डिपार्टमेंट थे। उसके बाद प्रोविंशियल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें शेरशाह के, तो शेरशाह का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 47 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था जिन्हें सरकार कहा गया, और ये जो सरकार थे ये फर्दर परगना में डिवाइड किए गए। तो मतलब इट लाइक वॉट एवर हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, इस वजह से समझिए तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 47 स्टेट्स ऐसा समझ लो, 47 स्टेट्स थे, ठीक है। और ये जो 47 स्टेट्स थे दे वर डिवाइडेड फर्दर, जो स्टेट्स थे इन्हें क्या कहा गया, इन्हें सरकार कहा गया, ठीक है। स्टेट तो नहीं कह सकते, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा समझ लिए दैट 47 समवट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। और हर सरकार को बेसिकली डिवाइड कर दिया गया परगना में, परगना वाज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट। तो आई डोंट नो टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू पीपल बिलोंग, लेकिन जस्ट लाइक इन एमपी इट्स लाइक प्रेजेंट डेज एमपी, इट्स लाइक एमपी हैज more than 50 districts and these more than 50 districts are divided into 10 divisions. So like every
डिवीजन इज हैविंग लाइक 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स. सो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो, तो वहाँ इस तरीके का कुछ आप इसे समझ सकते हैं. इनमें इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन थे? इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे मुनसिफ था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, आमिर या अमीर कह लीजिए, ही वॉज दी देयर टू नो ही वॉज लाइक अमीर वॉज लाइक द सिविल जज, ही वॉज देयर फॉर द सिविल केसेस. काजी और मीर अदल ये जो थे ये क्रिमिनल केसेस के लिए थे. मुकदम टू चेज एंड अरेस्ट द कल्प्रिट, मुकदम लाइक पुलिस ऑफिसर था ये उनका. मुनसिफ के अलावा ये बाकी जो है ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था. और हर परगना जो है, परगना मीन्स आप उसे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, तो हर परगना जो है वो एक इंडिविजुअल लॉ कीपर या जिसे आमी कहा गया, अमीर कहा गया, उसके ट्रेजर और अकाउंट में, मतलब ही वॉज लाइक ट्रेजर एंड अकाउंट कीपर एवरीथिंग. जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी दैट इज सरकार, उसमें क्या था, उसमें सीनियर ऑफिसर्स थे जैसे लेट्स से अ कमिश्नर इज देयर एट अ डिवीजन लेवल, इसको ऐसे समझो मॉडर्न टर्म्स में एक कमिश्नर इज देयर एट डिवीजन लेवल और उसके अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे वो उनके पास आएंगे. तो ही इज लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर डिवीजन दिस कमिश्नर इज डिविजनल कमिश्नर इज लाइक द हेड ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विच आर अंडर हिम. तो इसे हेड ऑफिसर्स, इसमें क्या था जैसे जो मुनसिफ का हेड था जो मतलब उसे कहा गया मुनसिफ है मुनसिफान, तो मुनसिफ है मुनसिफान मीन्स हेड ऑफ ऑल द मुनसिफ, अ मुनसिफ विच इज हेड ऑफ ऑल द मुनसिफ. दूसरा कहा गया शिकदर है शिकदरान, तो शिकदर वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह. देन अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये हर परगना पे और सरकार लेवल पे दो इक्वल रैंक के ऑफिसर्स अपॉइंट थे विच वर डिवाइडेड विच डिवाइडेड द सुपरवाइजरी फंक्शन एंड एंश्योर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ पावर. तो देखो द ब्यूटी वॉज हियर दैट एक ही रैंक के दो ऑफिसर अपॉइंट किए एट इक्वल लेवल और दोनों के बीच जो सुपरवाइजरी फंक्शन थे उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब कहीं पर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होने दिया, कहीं पर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होने दिया. उसने ये इंश्योर किया शेरशाह ने कि चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो परगना लेवल पे हो, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो, चाहे वो होल एडमिनिस्ट्रेशन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल हो, ऑल द गॉड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड डायरेक्टली कम टू हिम. और होता ये था कि यू नो ऑल दिस पीपल वर अपॉइंटेड बाय हिम डायरेक्टली. तो ये तो हुई सरकार लेवल पे नो परगना और सरकार लेवल पे. उसके अलावा क्या होता था लोकल लेवल पे जो विलेज पंचायत या विलेज लेवल था, जमींदार्स वर मेड रिस्पॉन्सिबल. यू नो हु वर जमींदार्स? जमींदार्स वर लाइक नॉट एग्जैक्टली द लैंडलॉर्ड्स, मतलब ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, इनके पास जुडिशियल पावर भी थी और इनके पास मिलिट्री भी होती थी, तो बेसिकली ये लैंड रेवेन्यू को मॉनिटर करते थे एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट सी आई टोल्ड यू, कि उनके पास जुडिशियल पावर भी थी तो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड पनिशिंग द गिल्टी. व्हाट ऑल, ये जो विलेज पंचायत के लेवल पे या जो जमींदार के लेवल पे जो कुछ भी होता था दे ऑल रिपोर्टेड टू द काजी. काजी कहां से आया? काजी यहां से आया. तो ये किसको रिपोर्ट करते थे? ये जो है ये काजी को रिपोर्ट करते थे. द नेटवर्क ऑफ रोड्स रिस्टोर्ड बाय शेरशाह इंक्लूड्स रोड्स फ्रॉम सोनार गांव इन बांग्लादेश टू इंडस इन द वेस्ट. बेसिकली जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं द जीटी रोड, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? जीटी रोड का जो कंस्ट्रक्शन था फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर, एक्चुअली इनका प्लान कुछ और था. ये मतलब इट वॉज लाइक फ्रॉम बांग्लादेश टू कैलकाटा, फिर कैलकाटा से लेके दिल्ली तक का एक रोड था, दिल्ली से लेके लाहौर तक का एक सेक्शन था, लाहौर से लेके पेशावर तक का एक सेक्शन था, देन पेशावर से ही वाज हैविंग अ प्लान टू रीच टू काबुल. तो ये बेसिकली इनका जो टारगेट था इस रोड से रिलेटेड, ये रोड से रिलेटेड वो ये था कि यू नो कि बांग्लादेश से लाइक दिस इज लेट्स से दिस इज आवर इंडिया टुडेज इंडिया, ठीक है, और लेट्स से उस वक्त का कुछ इस तरीके का होगा, लेट्स अज्यूम दैट लेट्स से यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ काबुल है. So he wanted to construct a road like this.
यू कैन इमेजिन बांग्लादेश से काबुल तक ही वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्टेड रोड. सो इसको लेकिन इसका जो पेशाब जो सेक्शन इसका बन पाया फ्रॉम हियर टू हियर लेट्स से वो कहलाया द ग्रैंड ट्रंक रोड. ऑल्सो लाहौर से मुल्तान की कनेक्टिविटी, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़ एंड ओपन पोर्ट्स इन गुजरात, तो ये जो सारे शहर थे इनको गुजरात के ओपन पोर्ट से कनेक्टिविटी भी इसने इसका ऑर्डर दिया बिकॉज ही. और फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवल सराय और इन वर बिल्ट रफली एट एवरी 8 किलोमीटर ऑल अलॉन्ग द रोड. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये लेट्स से कैलकटा से जो है पेशावर तक का एक रोड बना दिया. इस रोड में हर आठ किलोमीटर पे एक सराय होता था. सराय बेसिकली आप इसे ऐसा समझ सकते हैं दैट इज लाइक अ मोटेल, मतलब वेयर पीपल कैन यू नो कम इन देवर और समवेयर देवर गिवन फूड समवेयर इफ दे आर हैविंग देयर ओन उनको भी मिल जाता था. तो सराय कंस्ट्रक्ट किए एंड यू नो हाउ दे वर मेंटेन्ड. और ये जो सराय थे बड़े इंपॉर्टेंट है. अगर आप वेस्टर्न यूपी में देखोगे आज भी अलॉन्ग विद ग्रैंड ट्रंक रोड कई ऐसे आपको शहर मिलेंगे उनके अंदर जो मोहल्ले होंगे या जो उनके अंदर जो लोकलाइज्ड एरिया होंगे उनका प्रेफिक्स सॉरी सफिक्स इज लाइक सराय. तो ये जो सराय है ये किसने कंस्ट्रक्ट करा, ये शेरशाह सूरी ने अलॉन्ग विथ रोड. और इसी सराय से बेसिकली इसने अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव किया. होता ये था देर वॉज अ डाक रनर जैसे हम आम जबान में कहें. तो ये जो सराय थे ये क्या होते थे, ये डाक चौकी का भी काम करते थे. ये सराय क्या करते थे, हर 8 किलोमीटर पे था तो क्या होता था लेट्स से दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, सो ऑन ये डिफरेंट पॉइंट्स है लेट्स से. और कलकत्ता से लेट्स से दिल्ली से लेट्स से कन्नौज कोई खत पहुंचाना है, कोई डाक पहुंचाना है लेट्स से दिस इज कन्नौज. तो क्या होता था दिल्ली से डाक रनर चलता था, उसका काम सिर्फ अगली डाक चौकी तक होता था. और उसके बाद क्या होता था उसका काम, वो वहां से दूसरे को ट्रांसफर करता था अगली डाक चौकी तक. इस तरीके से इस चेन इवेंट्स में उसने अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया और ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था ऑफ शेरशाह सूरी दैट द पोस्टल डिपार्टमेंट. और इसका जो इंचार्ज होता था उसे कहा जाता था दारोगा ए डाक चौकी, उसे कहा जाता था दारोगा ए डाक चौकी. ठीक है, दारोगा डाक चौकी जो था वो इसका इंचार्ज होता था. और ये क्या होता था, अब इसका अब बेनिफिट ये होता था कि हर 8 किलोमीटर पे होने की वजह से कहीं से भी कोई भी एक्टिविटी होती थी वो इमीडिएटली टू एंड फ्रो ट्रांसमिट हो जाती थी. द कम्युनिकेशन वॉज वेरी स्ट्रांग एंड then if you see the revenue administration he had that diwane wazarat aur wazir jo tha wo responsible tha revenue administration ke liye. he also exercised the supervisory power over other minister. ye humne pehle bhi dekha. the land was classified into 3 categories for calculating revenue based on yield and measurement of the land. schedules of rates were put up that were fixed revenue in terms of cash. so sara jo bhi revenue hota tha wo rate pehle se tay kar diye gaye और उन रेट्स के ऊपर जो भी रेवेन्यू लिया जाता था वो कैश में लिया जाता था. इट वॉज नॉट लाइक कि आप अपने प्रोड्यूस का पार्ट दे दीजिए, इट वॉज गिवन इन द कैश. और क्या होता था, पट्टा इशू कर दिए जाते थे किसी पीजेंट्स को. पट्टा मीन्स इट्स अ पीस ऑफ लैंड लाइक दिस, उसको पट्टा कहा जाता था. तो पट्टे इशू हो जाते थे एंड यू नो पीस ऑफ लैंड इशू हो जाता था और उनसे जो पार्ट लिया जाता था उसे कहा जाता था कबूलियत ली जाती. तो पट्टे इशू होते थे और उनके उसके बदले वो जो भी फार्मर्स जो भी पीजेंट्स होते थे वो क्या देते थे, वो कबूलियत देते थे. फिर उन्होंने क्या किया था, एक फेमाइन रिलीफ फंड. नाउ सी हिज वेलफेयर पॉलिसीज आल्सो, उसने क्या किया, एक फेमाइन रिलीफ फंड बनाया क्योंकि ये इस वक्त इतना व्हाट वी आर टॉकिंग इज ऑफ मिड ऑफ 16th सेंचुरी और तब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इतना ज्यादा कहना चाहिए कि वेल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर नहीं था. तो फेमाइन और ऑब्वियसली फेमाइन वॉज अ वेरी कॉमन फीचर इन इंडिया इवन टिल ब्रिटिशर्स वर हियर. सो उससे क्या होता था, 2.5 सेर पर बीघा. तो बीघा वॉज लाइक द यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड.
तो एक बीघे पे 2.5 सेर जो है वो उनसे एक्स्ट्रा लिया जाता था हर किसान से, ऑन द फॉर व्हाट, फॉर फैमाइन रिलीफ फंड, कि अगर अकाल पड़ेगा तो हम आपको इसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर ही ऑल्सो स्टैंडर्डाइज द कॉइन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर एंड इट वॉज यू नो टोल्स वर कलेक्टेड ट्वाइस। और जब वो आता था उसके, जब शेरशाह सूरी की रियासत में कोई सामान आएगा तब उस पर टोल लिया जाता था, तब उस पर टैक्स लिया जाता था, और दूसरा जब वो सामान बिक जाता था, जब वो सेल आउट हो जाता था तब उस पर टैक्स लिया जाता था, अदर चीज। सो गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइनेज कर दिया गया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही कॉइन्ड द टर्म रुपया, ही कॉइन्ड द टर्म रुपया। रुपया जो है वो इन्हीं के टाइम पे आया, इन्होंने ही बेसिकली उसका कंसेप्ट दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है एज अ टास्क, कि आप ये बताइए, आप ये पता करिए कि कितने ऐसे मुल्क हैं, कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके यू नो करेंसी रुपया है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज समथिंग विच इज, आप समझ सकते हैं कि वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेरशाह सूरी, दैट दिस एंड वॉट एवर आई एम टॉकिंग हियर, हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन 5 सालों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने रूल किया, 1540 से लेके you know, 1545 तक। सिर्फ इस 5 सालों में इतना कुछ किया शेरशाह ने। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, द एम्पायर ऑब्वियसली, अब जिस हिसाब का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अभी हमने पढ़ा, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े और इतने हैवी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए उन्हें जरूरत थी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी की, विच वाज लाइक कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट, आर्टिलरी, सब कुछ चाहिए था। सोल्जर वर रिक्रूटेड डेली बाय डिस्पेंसिंग देयर ट्राइबल लेविज, तो वो जो भी उनका ट्राइबल से भी वो लेते थे। और देयर वाज अ सिस्टम ऑफ दाव, दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, वही वो गर्म करके सील लगा देना घोड़ों पे। एक्चुअली उसका पर्पज ये होता था दैट दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय इंफीरियर हॉर्सेस। ऐसा ना हो कि मान लो एक सोल्जर है, उसको एक ना अच्छी नस्ल का घोड़ा जो है वो उसको इशू हुआ, और उसने क्या किया, उस घोड़े को तो बेच दिया और दूसरा घोड़ा ले आया जो कि हल्की नस्ल का था, छोटी नस्ल का था, विच वॉज नॉट दैट पावरफुल टू। सो ये कैवलरी जो है ये वेल मेंटेन्ड रहे, इसके लिए शेरशाह ने क्या किया था, ये सिस्टम ऑफ दाग, दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। द डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ ऑल सोल्जर्स जैसे स्कूलिया वॉज मेंटेन फॉर द सेम रीजन, और सोल्जर्स का रोल, सोल्जर्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता था ऑलवेज यू नो। अब ये एक्चुअली इस शेरशाह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कितना काबिल था या कितना अच्छा था, ये हमें सिर्फ इसी बात से पता चलता है जस्ट बाय लुकिंग एट द कॉन्क्वेस्ट दैट ही हैड यू नो इन हिज शॉर्ट टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। सो दिस वॉज अबाउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट लेट अस मूव ऑन टू शेरशाह आर्किटेक्चर। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ग्रैंड ट्रंक रोड का यू नो फ्रॉम सोनार गांव टू पेशावर, और आगरा से मुल्तान वाया बुरहानपुर एंड दिल्ली, रोड फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, ये भी इम्पोर्टेंट था, मांडू से आगरा, ये सारे जो डिफरेंट रोड्स थे यू नो दे वर ऑल लाइंड विद ट्रीज, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेज, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। द ओल्ड फोर्ट कॉल्ड पुराना किला एंड इट्स मॉस्क वर बिल्ट ड्यूरिंग इस पीरियड दिल्ली के अंदर। उसके अलावा सासाराम में उन्होंने एक मॉजोलियम बनाया विच इज लाइक इंडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसके अलावा रोहतास फोर्ट जो है जो पाकिस्तान में है वो, और रोहतास गढ़ फोर्ट दोनों अलग हैं, वो भी शेरशाह के टाइम के हैं। एंड द फेमस हिंदी वर्क बाय मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत, ऑल दैट होल रानी पद्मनी वाली जो अभी बवाल था, बेसिकली जो पद्मावत मूवी थी वो कहीं ना कहीं इट वॉज इंस्पायर्ड बाय मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत ओनली, एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। 1545 हमने देखा शेरशाह डाइड और उसकी सक्सेसर्स दे रूल टिल 1555 जब हुमायूं ने रिकॉन्कर किया इंडिया को। सो दिस वॉज अबाउट शेरशाह सूरी एंड इज सू डायनेस्टी। हम उनके जो बाद इस्लाम शाह और ये रूलर्स आए इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद द नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा द 14th द 13th आई बिलीव यस 13th लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अकबर, और अकबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज सो बिग दैट नेक्स्ट 2 सेशंस विल बी ऑन अकबर, फिर हम कंटिन्यू उसके आगे करेंगे। सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
थैंक यू सो मच।